हेलो दोस्त, मैं हूँ रश्मि। आपका हमारे चैनल उमंग कुकिंग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं करौंदे का अचार बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 250 ग्राम करौंदा लिया है। करौंदे के अचार में डालने के लिए मैंने यहाँ पर 75 ग्राम हरी मिर्च ली है और ये 3 गांठ लहसुन है और 2 इंच का ये अदरक का टुकड़ा है। इन सबको अब मैं काटूंगी। इस करौंदे को मैं ऐसे इसका पेंदी निकाल दे रही हूँ और इसको बीच से मैं ऐसे काटूंगी। इस तरीके से मैं अगले करौंदे को काट रही हूँ और इसके अंदर जो ये बीज है इसको मैं हटा दे रही हूँ। इसी तरीके से मैं सारे करौंदों को काटूंगी और उसके बीज को मैं निकाल के फेंक दूंगी। अचार में हम इसके बीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये मैंने सारे करौंदे को काट लिया है और करौंदे में से इतनी बीज निकली है, इसको मैं फेंक दूंगी। इसको मैंने ऐसे बीज से 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, अब इसमें मैं 50 ग्राम तेल डालूंगी। हमारा तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम लहसुन डालेंगे। हमारा लहसुन लाल हो गया है, अब हम हरा मिर्च डालेंगे, इसको भी हम लाल करेंगे। हमारा मिर्च और लहसुन हो गया, अब इसमें हम करौंदा डालेंगे और इसको पकाएंगे। लगातार चला रहे हैं, हमें इसे खोलकर ही पकाना है और अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे और इसको हमें चलाते रहना है। हमारा करौंदा थोड़ा थोड़ा गल गया है, अब इसमें हम अदरक डालेंगे। रेती हुई अदरक भी डाल दे रहे हैं और इसको भी पकाते हैं। ये हमारा करौंदे का अचार पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है, अब हम इसको दूसरे बर्तन में निकालते हैं। ये हमारा करौंदे का अचार पूरी तरीके से बनकर तैयार है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।